हेलो फ्रेंड, आई एम राजेश। आज के डॉटनेट इंटरव्यू के अंदर हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है डेटा रीडर। बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली हम ये जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज द स्टेटस ऑफ डेटा रीडर चेक इन डॉटनेट। हम डेटा रीडर के स्टेटस को कैसे चेक करते हैं डॉटनेट के अंदर। तो अब स्टेटस की बात है तो अगर डॉटनेट के अंदर द स्टेटस ऑफ डेटा रीडर कैन बी चेक इजली बाई यूजिंग प्रॉपर्टी कार्ड इज कोड। बेसिकली इन डॉट नेट के अंदर हम बात करें तो डेटा एडाप्टर या डेटा रीडर के स्टेटस को हम चेक किससे करते हैं, इज क्लोज से। बेसिकली इट विल टेल यू द डेटा रीडर इज क्लोज और ओपन। बेसिकली इज क्लोज जो सिंटेक्स है ये बताता है कि डेटा रीडर क्लोज है या ओपन है। कैसे? इट इज क्लोज देन रिटर्न अ ट्रू वैल्यू रिटर्न। इट इज क्लोज अ रिटर्न वैल्यू इज ट्रू एंड इट्स रीडर इज ओपन इट्स रिटर्न फॉल्स वन। बेसिकली क्या होगा जे अगर बात करें अगर क्लोज होगा तो डेटा रिटर्न रिव्यूअर डॉट इज क्लोज होगा तो क्या करेगा डेटा रीडर क्लोज है। बेसिकली फॉल्स रिटर्न किया दैट मीन्स हमारा डेटा रीडर क्लोज है। अगर ट्रू रिटर्न किया डेट मीन्स हमारा डेटा रीडर क्या है ओपन है। अगर इसी चीज़ को प्रोग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें तो एसक्यूएल डेटा रीडर है। बेसिकली ये हम इन्हें यहाँ पर बनाया एसक्यूएल डेटा रीडर रीडर इज कॉल टू कमांड डॉट एसक्यूट रीडर। इसके पहले और भी कोड होते हैं। बेसिकली मैं सिंपल आपको एक स्टेटमेंट कोड से निकाल के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने क्या किया इस रीडर को क्या किया इफ रीडर डॉट इज क्लोज यहाँ चेक कर लिया। बेसिकली अगर रीडर क्लोज होगा तो ये ट्रू देगा अदरवाइज क्या देगा फॉल्स देगा। ठीक है जब फॉल्स दिया तो हमको क्या रिटर्न करेगा यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन रीडर इज क्लोज। अगर ट्रू दिया तो क्या करेगा रीडर इज ओपन। ठीक है तो ये हमारा क्या होता है डेटा रीडर को चेक करने का सिंटैक्स होता है बेसिकली डॉट।